हम लोग फाइनली तिरुपति बालाजी के पहुंच चुके हैं। हम लोग उतर गए रेणुगुंटा। तो गाइज भैया मिले हमसे। तो गाइज ये भाई चेन्नई रहते हैं और चेन्नई से मिलने आए मेरे से। हे गाइज गुड मॉर्निंग। सुबह के बज गए 4:30, फिक्स 4 बजे उठ गए थे भाई। अंकिता उठते ही बनाने लग गए पराठे, क्योंकि हम लोग अभी 7 बजे ट्रेन बैठ जाएंगे अहमदाबाद टू वडोदरा। वडोदरा उतर के दूसरी ट्रेन एक्सचेंज करनी है और वहां से फिर चलेंगे। आज सुबह 8 बजे बैठेंगे ना, कल सुबह 12 बजे तिरुपति बालाजी के जाके पहुंचेंगे रेणुगुंटा। तो उससे पहले खाने पीने की चीजें तैयार कर रहे हैं। अंकिता और संपत बना रही है इधर पराठे। सब्जी तो हमने बनाया नहीं क्योंकि आचार वगैरह से खा लेंगे। इधर आकाश डोन सो रहा है, इधर मेरी बेटी सो रही है। गाइज हम लोगों का बैग पैक हो गया ओला। मैंने ओला ऑटो भी मंगवा लिया है 13-14 किलोमीटर। गाइज हम लोग 1 मार्च को यहाँ पे आए थे और आज है 6 मार्च। यहाँ पे कम से भी कम नहीं तो मेरे इतने सारे जानकार आदमी है, बट मेरा कहीं भी मन नहीं करा रुकने का। मैंने आकाश के पास ही रुकने का डिसाइड किया। जहाँ पे वाइब मिलती है, जहाँ पे वाइब मैच होती है, वहीं रुकने का मन करता है। काफी अच्छी सेवा करी भाई ने, खाना टाइम पे देना, घुमाना, ये करना वो करना। तो थैंक यू भाई, धन्यवाद भाई। मेरा तो बहुत दिल दुख रहा है भाई, तो जाए मत यहीं रहे। बट ये प्रकृति का नियम है कि जो आया है तो जाएगा भी सही। ऑटो वाला भी वेट कर रहे हैं, फोन आ गया उसका दोबारा। बाय। तो गए ऑटो वाला भी आ गया। चल ठीक है, ठीक है आकाश, ध्यान रखना अपना। गाइज हम लोग मणिनगर रेलवे स्टेशन फाइनली पहुंच गए। ये वाला है रेलवे स्टेशन, छोटा रेलवे स्टेशन है बट यहाँ पे ट्रेन वगैरह रुकती है, तो हमारी वाली भी रुकेगी वडोदरा जाने वाली। सो थैंक यू भैया। गाइज स्टेशन पे आते हैं, बहुत बड़ा पोपट हो गया हमारे साथ। पोपट ये हुआ है कि जो सुबह सुबह उठ के हम लोगों ने खाना बनाया था, खाना तो रह गया घर पे। आकाश का फोन आया, हमको तो याद भी नहीं था कि घर पे खाना रह गया। आज इधर से आते सीधा, जो हमने मोबाइल दिया था आकाश को कल वो काम आ गया आज फिलहाल हमारे। अगर ये फोन नहीं होता ना भाई तो आज ही हमको कुछ देने नहीं आता। रोटी तो घर पे रह गई थी, इसी ने फोन किया। और इसका फोन टूट गया था परसों, इसके बच्चे ने तोड़ दिया। नया फोन दिलाया इसको मैंने भाई, ये मेरे भाई ने गिफ्ट दिया है मेरे को ये फोन। मेरा फोन टूट गया था तो मैं हताश हो गया था, परेशान हो गया था, तो मेरे भाई ने बोला भाई मैं दिलाता हूँ तेरे को फोन। आईफोन दिया है मैंने, मिनी आईफोन भाई को देख सकते हो गाइस, मिनी आईफोन। मस्त है ना मोबाइल, मस्त कुछ हो गया भाई, काम होना चाहिए अपना, कोई दिक्कत नहीं, मस्त रहता। तो खाइए बेटा, सो भी जाए, इसको खाने को मिलना चाहिए, कुछ भी मिले बस। गाइस ये लड़की मेरे पीछे पड़ गई मांग मांग के। गाइस देखो मांगने वाली नहीं लग रही पूरी पूरी स्टेशन पे मांगने बना दी आपने सब देख रहे। गाई जी मेरे पीछे नहीं छोड़ रही है, कब से मेरे पीछे पड़ी हुई है। सो गाई हमारी यात्रा हो गई स्टार्ट और अभी हम लोग बैठ चुके ट्रेन के अंदर। हम लोगों ने यहाँ से रिजर्वेशन नहीं करवाया क्योंकि 1.5 घंटे का रास्ता है। आगे वाली ट्रेन में हमारी स्लीपर है। बेबी के लिए डायपर लेने आया हूँ। बहुत सुंदर स्टेशन है, बहुत ज़्यादा सुंदर। अहमदाबाद से भी अच्छा स्टेशन है गाइज वडोदरा। पीछे का आप सीन देख सकते हो कितना प्यारा आ रहा है, अच्छे तरीके से बनाया हुआ है और साफ सुथरा। फर्स्ट टाइम आया हूँ अहमदाबाद में, तो मैं 3 साल लेके गया था लेकिन वडोदरा फर्स्ट टाइम है। गाइज वडोदरा जितना सुंदर है उतना महंगा भी है भाई। यहाँ पे जो भी मैंने दवाई ली है ना, टेबलेट्स वगैरह, एम के लिए पेम्पर्स वगैरह, 1% डिस्काउंट नहीं है। और आज मेरे से मिलने आया भाई मेरे मामा के गाँव का गाडोली का। बहुत दिनों से इंतजार था भाई, भाई से मिले आज वडोदरा स्टेशन पर, मिलने का मौका मिला है मुझे भी। मेरा भी यहाँ पे 1.5 घंटे का स्टे आज, तो इनका फोन आ रहा था, मैं कभी ठीक है आप आ जाना मिलने, कोई दिक्कत नहीं। पहले बेबी के लिए सामान लेके आया था, उसके बाद में भाई आ गया तो अभी कुछ और खाने पीने के लेके आया, जैसे रेड बुल वगैरह लेके आए, तो अब रेड बुल एंजॉय करते हैं थोड़ी देर। काफी टाइम से वेटिंग एरिया में बैठे हुए थे, अब बस गए 10, आधे घंटे बाद में हमारी ट्रेन आ जाएगी, तो प्लेटफॉर्म चेंज कर लेते हैं, हम जा रहे हैं अब 3 नंबर पे। गाइज वेट करने के बाद में हमारी आ गई ट्रेन। भाई भी काफी टाइम से हमारे साथ ही है। चलो ठीक है भाई, आराम से जाना आप। एम आर यू एक्साइटेड तिरुपति बालाजी? तो गाइस हमारी स्लीपर में हम आके बैठ गए, 75-74 है। और भाई का धन्यवाद, भाई ने बैग वैग रखवा दिया, काफ़ी हेल्प करी उधर से इधर आने में। चलो भैया आराम से जाना वापस, ठीक है। दोस्तों खाने का बंदोबस्त काफ़ी सारा हो गया, तो हम सोच रहे हैं कि भाई यहाँ पे सोने से पहले, स्लीपिंग करने से पहले हम लोग कुछ नाश्ता वगैरह कर ले। नाश्ते में मिलाया था बाहर से पोहा, वैसे मैं केला भी ला रखा हूँ। हमारी एमी को कोई फर्क नहीं पड़ता जब हम खाना खाते ना, इससे बेस्ट चीज़ कोई नहीं है कि बिल्कुल नहीं रोती, हमको सिर्फ देखती रहती है। अब वो जानने लग गए खाने को, इसलिए वो सिर्फ देखती है, वो सोचती है कि मुझे कब खिलाओगे भाई। गाइस हम लोगों ने यहाँ से कुछ नया तकिया खरीदा है भाई, hmm?
गाइज वडोदरा से 10:30 बजे निकले थे, अभी बज गए 1, अभी हम पहुंच गए सूरत। सूरत का रेलवे स्टेशन कुछ इस प्रकार से है, ज़्यादा बाहर से मैं दिखा नहीं सकता, थोड़ा सा यहाँ से दिखा देता हूँ गाइस। अंकिता की दादी नींद निकल गए, मैं तो सोया नहीं था, मोबाइल चार्ज लगा रखा था, वीडियोस वगैरह देख रहा था। तो देखो गाइस सूरत बाहर नहीं जा सकता क्योंकि ट्रेन सिर्फ 5 मिनट या 2 मिनट ही रुकती है यहाँ पे। अंकिता सो गई क्या? गाइस अंकिता भी उठ गई, अब खा रही है खाना, मार रही है पापा को, मार रही है। देखो गाइज फाइनली हम पहुंच गए पुणे। रास्ते की वीडियो इसलिए नहीं बना पाए, हम तो सोच रहे थे कि भी वीडियो बनाएंगे, हम तो लोनावाला होके भी आए थे, हम लोनावाला रह के गए पहले, हम वीडियो बनाते काफ़ी अच्छी घाटियाँ उधर, बट नींद आ गई। नींद आने के बाद में कुछ भी व्यवस्था नहीं हो पाई, तो अभी मैं पानी भर लेता हूँ, उसके बाद मिलता हूँ आपसे। सो गाइज पानी वानी की बोतल भर ली, बेबी का दूध नहीं मिला, कैंटीन से ही बुक करना पड़ेगा ऑनलाइन ट्रेन में, तो अभी बोतल वोतल अंदर दे दी। बाकी पुणे का रेलवे स्टेशन है गाइज, ये काफ़ी अच्छा है वैसे तो, पर नाइट में कुछ देखने को नहीं मिलेगा। इस साइड से कुछ इस प्रकार का है भाई स्टेशन। तो भाई हम लोगों ने एक पोस्ट डाली थी फेसबुक पे कि हम लोग है ना तिरुपति आ रहे हैं, तो वहाँ पे भाई हमारे सब्सक्राइबर भाई रहते हैं हमारे वीडियो देखने वाले, तो वहाँ पे हमारे रहने की व्यवस्था भी हो गई और मतलब कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। फ्री टिकट हमारा है क्योंकि हमारा बेबी 1 ईयर से कम है, तो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे, तिरुपति आप कैसे आ सकते हो, कैसे जा सकते हो, कितना खर्चा होता है, सब चीज़ें बताएंगे। अभी हम लोग आराम करते हैं, खाना वाना भी खाते हैं, पानी की बोतल आ गई, बस दूध मंगवाना थोड़ा सा, उसके बाद में आगे का जो भी होगा हम बताएंगे आपको। गाइस सुबह के 4:30 बज गए, अभी रेलवे स्टेशन है कृष्णा, मैं भी सो गया था, जस्ट सो के उठा हूँ भाई, और आगे रायचूर आने वाला है 10-15 मिनट बाद में, तो वहाँ से मेरे को लेना है दूध क्योंकि एक भैया ने मेरा वो दूध अरेंजमेंट करवा दिया। अभी जो मैं हूँ कृष्णा, ये पड़ता है तेलंगाना में, 10-15 मिनट बाद में रायचूर आएगा, रायचूर का देखते, बड़ा स्टेशन है शायद ये, ज़्यादा बड़ा स्टेशन नहीं है, अपनी तरफ जो छोत का बरवाड़ा सांगानेर यहाँ पे ट्रेन का पानी खाली हुआ है इसलिए ज़्यादा टाइम तक रुक रही है। तो गाइस हम लोग आ गए रायचूर रेलवे स्टेशन, और भैया का धन्यवाद जो सुबह सुबह हमको भाई बोतल भर के बेबी के लिए दूध लेके आए। हम जयपुर से, हम जयपुर से हैं, अलवर से हूँ। हाँ और भैया ने बता दिया था मेरे को थोड़ा कुछ, अभी आए तो रिटर्न आए तो फोन करो। बिल्कुल धन्यवाद। तो गाइस भैया ने दूध दिया था, अंकिता भी उठ गई, गुड मॉर्निंग, उठ जाओ अब तो, ला बेबी को दूध दूध पिला दे, शुगर अलग से पड़ा है इसमें, ठीक है। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। वैसा सुबह हो गए और हम लोग अभी साउथ में तेलंगाना में, मैं जिस स्टेशन पे हूँ उस स्टेशन का नाम है गुंतकल। जैसे उठे बाहर निकले भाई, इडली डोसा वड़ा पाव उथप्पम पता नहीं क्या क्या चल रहा था, हमने भी सोचा कि क्यों ना साउथ का कुछ ना कुछ टेस्ट किया जाए। गुंतकल स्टेशन कुछ इस प्रकार का है, आप देख सकते हो ज्यादा बड़ा स्टेशन नहीं है, अपने दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन के जितना बड़ा है, काफी अच्छे तरीके से बनाया गया है गाइस, और काफी साफ सुथरा रेलवे स्टेशन है ये। यहाँ का ट्रेडिशनल जो फूड है देखो इस प्रकार दिख रहा है गाइस, सुबह का नाश्ता चल रहा है बड़ा और इडली और नारियल की चटनी, सबसे ज्यादा फेमस है भाई ये नंदी वड़ा बोलते इसको। अच्छा गुड मॉर्निंग गाइज, अब आया कुड़प्पा रेलवे स्टेशन और हम लोग उठ गए, आंखें सूज गए भाई, 2 दिन से पड़े पड़े खाली। अंकिता तो उतरती नहीं नीचे, ऊपर से ही सलाम नमस्ते कर रही है, क्या हाल चाल? हमारा तो ठीक है, एमी का क्या हो रहा होगा, पर एमी को कोई फर्क नहीं पड़ता, एमी मजे कर रही है, एमी दोस्तों हम कहाँ पहुँच गए ये तो नहीं पता, बट यहाँ का सीन बहुत ही अच्छा है। 11:30 बज गए, आधा घंटे में हमको
ये ट्रेन रेणुकुंटा पहुँचा देगी। ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से 10-20-50 किलोमीटर ही दूर होगा, 20 किलोमीटर होगा लास्ट में लास्ट, या इतना भी नहीं होगा। बट यहाँ पे ट्रेन रुक रही है क्योंकि ये टाइम से पहले ही पहुँच गई, इसलिए रुकी हुई है। बाकी यहाँ का सीन देखो भाई, कितना ही सुंदर है यार। गाइज अभी तो स्टार्ट ही हुआ है, अभी तो देखना ऐसी ऐसी जगह देखने को मिलेगी ना आपको, मजा ना आ जाए ना बता देना मेरे को। तिरुपति बालाजी के दर्शन होना मतलब सौभाग्य की बात है भाई। तिरुपति बालाजी का तो मतलब नाम भी मुझसे निकल जाए, इससे बड़ी बात क्या ही हो सकती है। और मेरे माध्यम से आप सबको दर्शन करने को मिलेंगे तिरुपति बालाजी के। और हम लोग क्या क्या करने वाले, अंकिता मुंडन करवाएगी, मैं करवाऊंगा, या कौन कौन करवाएगा, कौन कौन नहीं करवाएगा, क्या हम एमए के बाल देंगे या नहीं देंगे, सारी चीजें आपको वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेगी। काफी इंजॉयबल लोग मिले हैं यहाँ पे और काफी मजा आया। ऐसा लगा ही नहीं कि ट्रेन में हम लोग बैठे हुए, जब लगता है जब बोर होते हैं, बोर तब होते हैं जब अच्छे लोग नहीं होते। बट हमारे सीट के आसपास में जो भी थे अच्छे थे, ठीक ठाक थे। हम लोगों ने घर की फालतू की वीडियो बनाना अब कम कर दिया है, हम चाहते हैं कि आपको कुछ नई चीजें बताएं जिनसे आपको सीखने को मिले। गाइज हम लोग उतर गए रेणुगुंटा, यहाँ से तिरुपति जाने के लिए या तो बस से या खुद के पर्सनल टेम्पो से आप जा सकते हो। हमारा प्लेटफॉर्म है 5 नंबर, हमको जाना 1 नंबर प्लेटफॉर्म से बाहर। ये अंकल भी हमारे साथ आए थे, चलो बाय बाय अंकल, आप तो यहीं रुकने वाले हो ना तिरुपति, बाय बाय। गाइज एक सब्सक्राइबर भाई है फौजी साहब जो हमारी वीडियो देखते हैं, तो उन्होंने फोन किया है अभी मैसेंजर के थ्रू कि हम लोग भी ट्रेन से आ रहे हैं आप रुको, तो यहाँ पे रुकते हैं थोड़ी देर, उनसे मिलते हैं, कौन से प्लेटफॉर्म पे आते हैं फिर मिलते हैं उनसे। जो मैं भैया का वेट कर रहा था, ये वाले भैया है वो, कैसे हो भैया? आपका बहुत हर्षणा है ना? हाँ हर्षणा। अच्छा अच्छा लगा भैया, ये ट्रेन है इनकी, प्राइवेसी से आते हैं लोग। तो गाइस भैया मिले हमसे, एमी ये डर गई, कौन है फौजी भैया, कहाँ मिल गए हमको, इतने सारे फौजी आए। ये ट्रेन स्पेशल इन्हीं की है, तो अभी भैया मिले हैं तो इनके साथ हम लोग इधर आ गए, थोड़ी देर बातचीत करते हैं फिर निकलेंगे तिरुपति बालाजी के लिए। गाइज इस टोंक वाले भैया के साथ में कोटपूतली वाला भैया और मिला है हम लोगों को, तो अभी हम लोग कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। गाइज दो भाई और मिले, आप कहाँ से हो भैया? ठीक है बाय बाय। गाइज बाबू के लिए गिफ्ट आ गए, बाबू खाता नहीं है, बाबू को लॉलीपॉप खिला सकते हैं थोड़ा बहुत। मुंडन वाले लोग आप देख रहे हो, ये सब तिरुपति बालाजी के जाके आए हुए लोग हैं, लेडीज भी देखो टकले करवा रहे। काफी सुंदर सा रेलवे स्टेशन है रेणुगुंटा का, भैया हमको लेने आए यहाँ पे, तो बैग को भैया लेके बैठेंगे उनकी बाइक पे, और हमको एक बाइक दे दिया इधर से, तो हम लोग एक अलग बाइक लेके अब हम लोग रूम पे जाके वहाँ पे नहा धो के फिर तिरुपति यात्रा पे निकलेंगे। और काफ़ी अच्छा सुंदर सा हमारा इधर का जर्नी रहा, आगे का जर्नी आपसे शेयर करेंगे, बने रहो बुल्लों के साथ। गाइस फाइनली हम लोग एसआई भैया के घर पे पहुंच गए, आरपीएफ में भैया एसआई है, उनके पास क्वार्टर है और उनके जस्ट बाजू में भैया रहते हैं, वो हमको लेने आ गए। जिनके क्वार्टर पे हम लोग रुके हुए हैं वो यहाँ पे नहीं, वो गांव गए हुए हैं। एम आते सो गई। गाइस हमने आते बैग ओपन कर दिया, जो गंदे कपड़े पड़े हैं उनको धोना है, उसके बाद में हमको खुद को नहाना है, फिर यहाँ से ऑटो पकड़ के तिरुपति जाके तिरुमला निकलेंगे। आ गई तो फाइनली घर पे आ गई। गाइज भैया की क्वार्टर पे आया हुआ था, लेकिन कुछ सब्सक्राइबर रहते हैं अपने स्वयं माधुपुर साइड के, तिरुपति बालाजी के इधर चेन्नई साइड में, तो आए हुए होंगे, उनको पता चला है कि मैं यहाँ पे आया हूँ तो मुझे कॉल किया है, तो अभी मेरे से मिलने आए वो लोग नीचे। तो गाइज ये भाई चेन्नई रहते हैं और चेन्नई से मिलने आए मेरे से, तिरुपति बालाजी के दर्शन करने भी जाने लोग, तो ये सब लोग बाइक से आए, बाइक से राइड करते हुए आ रहे हैं भाई, तो बढ़िया है, चलो आराम से दर्शन करके आना भगवान जी के। मेरे साथ फोटो शूट हो गया, अब तू भी खिंचवा ले इनके साथ फोटो वगैरह, रील वगैरह बना ले। गाइज हम लोग आ गए क्वार्टर में वापस, अंकिता आटा लगा दी इधर, और भैया इधर दाल फ्राई बना रहे, भोजन बन गया हमारा, तो भोजन की प्राप्ति करती है भैया के साथ में, अंकिता के साथ में खाते हैं दाल और रोटी। चाय आ गए, भैया तो काफी सेवा कर रहे हैं भाई, ये भाई थे नीचे तो इनको बुला लिया हमने वापस के साथ में चलते हैं तिरुमला दर्शन करने। तो गाइज हम लोग फाइनली तिरुपति बालाजी के पहुंच चुके हैं और इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं। हमारे साथ भाई जाने वाले साथी देखो कितने सारे हैं, भैया को भी राम राम करते हैं क्योंकि भैया भी कल गांव चले जाएंगे। ब्लॉग का यही एंड करते हैं, हमारा जो इधर वाला सफर था आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर से जरूर बताना, और नेक्स्ट ब्लॉग स्टार्ट करते हैं जिसमें आपको श्री वेंकटेश्वर भगवान के दर्शन करवाते हैं, तिरुमला जाते हैं, यहाँ से 29-30 किलोमीटर ऊपर जाना पड़ेगा, अभी तिरुपति है यहाँ से कम 6-7 किलोमीटर, उसके बाद में 22 किलोमीटर ऊपर जाना पड़ता है पहाड़ के ऊपर गोल गोल घूम के, और हमारे पास है 3-4 गाड़ियाँ तो बाइक से ही सफर करते हैं। सबसे अच्छी चीज ये हो गई कि मैं सोच रहा था जयपुर से अलग देखने को मिलेगा, वही जयपुर वाला सीन मिल गया इधर भी कि बाइक पे घूम लो सारे। तो इस ब्लॉग का यही एंड करते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, नया ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, बाय बाय गाइस।